नमस्कार गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम अपने पेज के लाइव वीडियो से मैं दोबारा आ रही हूँ आप सबके बीच में आज बहुत दुख की गरी है हमारे देश की जो अपनी जो चहित्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उनकी माता श्री के स्वर्गवास होने की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से मोदी जी का जो ट्विटर है अपना जो अकाउंट है नरेंद्र मोदी वहां से जानकारी प्राप्त हुई है तो इसके चलते ये बहुत ही दुखद की घड़ी है हमारे देश का रक्षक हमारे देश का योद्धा महाशक्तिशाली बलवान ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली उस महान स्त्री जनानी को कोटि कोटि नमन बहुत ही दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे महान योद्धा को जन्म देने वाली जनानी आज इस संसार से रुखसत हो गई है तो इस दुख की गरी में हम सबको अपने प्रधानमंत्री जी के साथ श्रद्धांजलि पूर्वक उनके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना है ये सांसारिक सत्य है सच है कि एक दिन हम सब जरूर चले जाएंगे इस दुनिया से और ऐसा अगर आज नरेंद्र मोदी जी के माताश्री का रुखसत होने का समय आज का दिन हमें देखने को मिला है और एक दिन हम सब एक एक करके इस दुनिया से चले जाएंगे इस बहुत ही संकट की घड़ी में दुख की घड़ी में हम अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनसे कहना चाहेंगे कि धैर्य रखिएगा पूरा अरुणाचल आपके साथ में है पूरी भारत आपके साथ में है और हमारे जितने भी भारतीय जो ओवरसीज फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो सब भी आपके साथ है और जितने भी आपके शुभ चिंतक है वेल विशर है चाहे वो कोई अलग देश की क्यों ना हो वो सब भी आपके साथ है धैर्य रखेगा और इस सच्चाई को हमें कतो मन से अपनाना पड़ेगा कि यही दुनिया की दस्तूर है यही रीत है और इसी रीत से हम सब एक दिन सब एक ना एक दिन सब गुजर जाएंगे जैसे ही ये खबर मिली बहुत दुख लगा और उसके साथ साथ प्रार्थना करते हैं माता जी के लिए हमारे लविंग मदर हीराबेन जी के लिए कि उनकी आत्मा को शांति प्रधान हो स्वर्ग में जाकर के वो आ, हमारे जो इटर्नल गोद है भगवान जी जो है वो स्वर्ग में उनको रिसीव करे और जो हमारा जो एंजल होता है जो पवित्र जो आत्माएं होती है वो उनके साथ सुकुशल मंगल उनको अपने साथ रखे बहुत दुख की बात है सिर्फ आज हमारे देश के लिए सिर्फ दुख की बात नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए भी दुख की बात है क्योंकि जिस तरह से हमारी माता जी हीराबेन मोदी जी का आज निधन हुआ वैसे ही एक महान योद्धा फुटबॉल प्लेयर पिल्ले जी का भी इस दुनिया से रुखसत हो गया तो बहुत ही कठिनाई की गरियों से हम सबको गुजरना पड़ रहा है तो इस दुख की गरी में हम सबको साथ रह करके दो मिनट के लिए मौन व्रत धारण करके एक साइलेंस प्लेयर करना चाहिए ताकि आ, हमारी प्रार्थनाएं जो स्वर्ग में बसे हमारे जो अपनी जो हम सब के रखवाले किसी ना किसी का जरूर एक रखवाला होता है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो आप उसको एक जो एक डिवाइन पावर होती है उसको आप आ, भोलेनाथ के नाम से भी जानते होंगे श्री कृष्ण जी के नाम से जानते होंगे विष्णु जी के नाम से जानते होंगे या फिर हमारे मसीहा जीजस क्राइस्ट के नाम से जानते होंगे या पैगंबर आप जो भी नाम से बुलाते हैं उनको मोहम्मद के नाम से जानते होंगे या फिर कुछ भी हो या हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जानते होंगे या फिर हमारे महात्मा महान आत्मा गौतम बुद्ध जी के नाम से भी जानते होंगे जिसका जैसा मतलब अपना स्वभाव के हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है हम उसी धर्म में धर्म की हम इज्जत करते हैं धर्म से चलते हैं तो उस सब से भी ऊपर बढ़ के होता है मानवता का धर्म तो हम सब एक मानव है तो हमारे अंदर में वो इंसानियत यूमिनिटी होती है जिसके चलते हम संसार में हम बहुत ही एक अलग एक अलग प्रजातियों में हमें गिना जाता है इंग्लिश में कहते हैं सोशल एनिमल तो हमारे अंदर में वो इमोशन होती है वो भावना होती है जो दूसरे एनिमल्स के अंदर नहीं होती है इसीलिए वी आर कॉल्ड सोशल एनिमल तो बींग ए सोशल एनिमल बींग ए ह्यूमन बींग हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे के साथ में ये जब छोटी छोटी बातें जो हमारे बीच में चलती रहती है इन सब को साइड में रखते हुए भी हमें एक दूसरे के साथ में दुख के गरीब में कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहना चाहिए और कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलना चाहिए तो काफी दिन हो गए थे मैं अपने इस पर्सनल फेसबुक पेज से नहीं आई थी जब कभी भी एक दो बार आप लोगों से मुखातिर हुई तो आ, न्यूज़ चैनल के माध्यम से या फिर किसी भी न्यूज़ पोर्टल के पेज के माध्यम से आई थी तो आज मन किया कि आ, अपने पर्सनल पेज के माध्यम से आप सब के बीच में आओ और इस दुख की घड़ी में हम सब साथ मिलकर के अपने देश की माताश्री उस महान माता श्री के लिए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं यही बोलने के लिए मैं आई थी और दूसरी बात है 2022 खत्म होने वाली है आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है कल फाइनल डे है 2022 का उसके बाद में फिर हम 2023 की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे लोग खुशियां मनाते हैं नए साल के अवसर पर कि नया साल मुबारक हो आप सबको नया साल आ रहा है नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जहां तक मेरा सोच बिल्कुल इससे विपरीत है उल्टा है मैं सोचती हूँ साले जितनी बढ़ती जाएगी हमारी उम्र उतनी ही ढलती जा रही है तो हम इसको मतलब एक खुशी का त्योहार नहीं मानते हैं हम मानते हैं कि ये बहुत बड़ी दुख का कारण है क्योंकि जितने साल हम गुजरते जा रहे उतने ही हम बुरापे की तरफ हम आ रहे हैं तो इंसान का एक जो स्टार्टिंग जो एक माँ की कोख से जन्म लेकर के उसके बाद में आप धीरे धीरे बड़े होते हो धीरे धीरे चलना सीखते हो उसके बाद लोगों के बीच में समाज में एक सोसाइटी में खुद को समझने लगते हो फिर आप जिंदगी के दूपछाव में अपने आप को जिंदगी में कैसे करके बसर करना है उन सब चीजों में खो जाते हो तो बहुत सारी पारिवारिक समस्याओं में उलझ जाते हो या फिर बहुत सारी चीजों में मतलब आप अपने आप को इतने व्यस्त कर लेते हो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी जिंदगी कब गुजर गई है और जब बाद में जाके एहसास होता है तब आप बुरापे के कगार पर पहुंच चुके होते हो तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना थी कि ऐसे ही अगर हमें हमेशा अगर जवा और हमें खुशनुमा रखते रक, तो कितनी अच्छी बात होती खैर ये प्रकृति का दस्तूर है ये तो होता ही रहता है तो इसीलिए नमस्ते नमस्ते जन्माय पांसा जी आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार नमस्ते थैंक यू सो मच आप मेरे इस लाइव वीडियो में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उम्मीद करती हूँ दुआ करती हूँ आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे तो इसी के साथ ये बहुत दुख की बात है कि साल अंत होने को आ रही है और नई साल की शुरुआत हो रही है तो खैर चाहे मैं इसको किस जिस भी तरीके से मैं लेती होगी देखती होगी मानती होगी फिर भी आ, आप लोगों को तो मैं यही कहूंगी कि नया साल मुबारक हो और आने वाला नया साल आप सबके जीवन में खुशहाल लेके आए और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आए ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो और आप सब घर परिवार के साथ बहुत ही खुश खुशकिस्मती से आप लोग रहेंगे उसके बाद में बहुत सारे धन संपत्ति का आपके घर में आ, क्या कहते हैं मतलब ऊपर वाला जब देंगे आशीर्वाद देंगे तो बहुत सारे धन संपत्ति देंगे खुश खुशी देंगे आप सब और स्वास्थ्य रूप से बहुत ही आप लोग आ, मतलब हेल्दी एक जो लाइफ है प्रोस्पेरिटी हेल्दी हैप्पीनेस वो सब आपको गॉड प्रोवाइड करे ऑल गॉड ये दुआ करती हूँ आप सबको न्यू ईयर के इस अवसर पर और हम हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं अपने देश की राजधानी दिल्ली में क्योंकि अरुणाचल राज्य से चलकर आए हुए हमें अभी लगभग यहाँ कम से कम चार महीना खत्म हो गया अब जनवरी आती है तो पांचवा महीना लग जाएगा तो नहीं आ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जनवरी आएंगे तो छठा महीना लग जाएगा सिक्स मंथ तो हाफ ईयर पूरा आधा साल यहां पर हम अभी तक आधा साल होने को आ रहे हैं हमारे इस मुहिम को सब कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता है हर जगह भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार है और कुछ भ्रष्टाचार करके खुश है कुछ किसी को भ्रष्टाचारी से बहुत ज्यादा उन लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो कुछ लोग एडजस्टमेंट करके जी रहे हैं कुछ लोगों को लगता है कि काम करने का ये बहुत अच्छा तरीका है भ्रष्टाचारी करेंगे पैसा पेमेंट करेंगे और उसके बाद में आपको कहते हैं कि शॉर्टकट में जल्दी हो जाता है नहीं तो सिस्टम से चलने से बहुत लेट होता है ये होता है मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह से ऐसे बोलते हुए सुना है और खास करके हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस जीजाजी श्रीमान किरण रिजिजू जी तो वो तो खुलेआम कहते हैं कि कहा भ्रष्टाचार नहीं है भ्रष्टाचार हर जगह है लेकिन भ्रष्टाचार का पक्का कंक्रीट सबूत होना पड़ेगा अगर आप लोग पक्का सबूत लेके आओगे तो ही मैं बात करूंगा नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे सबूत आप लेकर आए हो, लेकिन इसके आधार पे मतलब आगे नहीं बढ़ा जा सकता और भ्रष्टाचार सिर्फ इंडिया में नहीं है सिर्फ अरुणाचल में नहीं है भ्रष्टाचार तो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है वो भी यही कहते हैं और सबको पता है भ्रष्टाचार है करप्शन हर जगह है अरुणाचल में भी है तो हम मतलब बचपन से लेकर के अभी तक इस चालीस के ऊपर तक आने तक फोर्टी प्लस होने तक तो हम देख ही रहे हैं कि करप्शन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और इसी करप्शन के चलते लोग कहते अभी कुछ दिन पहले मैंने ये आकाश शुक्ला शुक्लाबाई जी का जो अवध टीवी जो चैनल है उसके माध्यम से मैंने एड्रेस किया था कि आ, पेपर जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज जो इशू है उसके बारे में मैंने बात की थी तो जब मैंने उसके बारे में बात की थी तो वहां पे कुछ लोगों का कमेंट्स ये था कि आप अपने मुद्दों पर बात कीजिए अपने इश्यू पर बात कीजिए आप सी के इश्यू पर क्यों बात कर रही हो और कल रात की ही बात थी हमारे प्रेसिडेंट अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट बाई तामे तुविन जी ने भी एक आ, मीडिया ब्रीफिंग जारी किया है जिसपे उन्होंने बोला है एस सी के आ, पेपर लीकेज के संदर्भ में जो ग्यामर पादंग जी जो थे हमारे भाई ग्यामर पादंग जी जब उन्होंने उस ऑडियो को वायरल किया ऑडियो क्लिप को वायरल किया जो टीचर ने उनको जो उनका जो ट्यूटर था ट्यूटर ने जब उनको ऑफर किया कि पेपर अवेलेबल है अगर आप चाहो तो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं उसके बाद में हमारे राज्य के माननीय होम मिनिस्टर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से ये जो अपना जो फॉर्मर चेयरमैन है श्रीमान निपो नावम जी उन तीनों के माध्यम से बाय ग्यामर पादंग जी को एक ऑफर दिया जाता है कि आप ये सब मुद्दा मत उछालिए ये सब मुद्दा मत उठाइए आपका जो भी समस्या है वो हम सॉल्व करेंगे और आपको जो भी चाहिए आपको नौकरी चाहिए नौकरी दे देंगे आपकी जो भी ऐसे कुछ शायद आई थिंक उन लोगों ने ल्यूक्रेटिव ऑफर उनको दिया गया है तो वो जो ल्यूक्रेटिव ऑफर है उसके विषय में शायद कुछ रिकॉर्डिंग बाई तुविन जी के पास में पहुंचा हुआ है किसी ने उसको प्रोवाइड किया है कोई सोर्स है उनका लोकल वो रिवील नहीं करना चाहते उस सोर्स के बारे में तो हमने भी जबरदस्ती नहीं की है हमने कहा चलो अगर ऐसी बात है तो आप वायरल कर दीजिए ऑडियो को आप अपने पास रख के भी क्या करोगे तो उसने मुझे जवाब दिया कि दीदी मैं वायरल ही करने के लिए ही इस ऑडियो को मैंने लिया है वायरल मैं जरूर करूंगा लेकिन कम से कम जो थर्टी फर्स्ट दिसंबर और जो वेटिंग नाइट्स वगैरह है वो तो इन लोगों को प्यार से शांति से मना लेने दीजिए उसके बाद में जो नए साल के शुरुआत में 2023 के शुरुआत में उपहार के बेट के रूप में मैं उन लोगों को ये करूंगा प्रेजेंट करूंगा कि उन लोगों ने ग्यामर पादंग जी को किस तरीके से उनको बरगलाने की कोशिश की थी उनको ईसू से मेन मुद्दे से उनको भटकाने के लिए कैसी कोशिश की गई थी इसीलिए ये उनका सोचना है तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है आप बहुत ही समझदार हो प्रेसिडेंट सर हो और अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप नए साल में ही उनका उस ऑडियो को रिलीज करेंगे तो ये आपकी अपनी इच्छा है मैं तो यही सोच रही थी कि कुछ लोग बहुत ज्यादा वहां कमेंट सेक्शन में, में जब ऐसे ही बैठकर कमेंट्स एंजॉय कर रही थी देख रही थी कि कौन लोग क्या कहते हैं किसका क्या सोच है तो बहुत सारे लोग मतलब लाइक काइंड ऑफ ट्रोलिंग टाइप का वर्ड्स यूज कर रहे थे लैंग्वेजेस की ब्लैकमेलिंग करने के लिए तुम कह रहे हो या फिर आ, क्या है बाद में ये मत बोलना कि मोबाइल गायब हो गया या फिर ये मत बोलना मोबाइल टूट गया दिस एंड दैट सो सो मेनी थिंग्स तो उसी को सारे पब्लिक के जनता के रिएक्शंस को देखने के बाद में ही मैंने बाई तूबिन जी को कॉल किया था और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि भाई ऐसे ऐसे लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं अगर आप अभी ऑडियो को अगर वायरल कर देते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता तो उसने कहा कि नहीं दीदी लोगों को बोलने दीजिए मैं ज़रूर सुनाऊंगा ऑडियो लेकिन नए साल के शुरुआत में तो ये उनका अपना डिसीजन है और मैं मन से रिस्पेक्ट करती हूँ हर एक उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके सोच को भी रिस्पेक्ट करती हूँ अगर उनको ऐसा सही लगता है तो उनको ऐसा ही करने दीजिए यह है तो उसपे भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अपने मेन इशू से हट करके आप लोग एपीपीएससी पर आप लोग क्यों बात करते हो <laughs> साल के अंत में जाते जाते मैं आप लोगों को ये अपनी तरफ से ये बताना जरूरी समझती हूँ ए पी पी एस सी जो है हमारा हमेशा से हमारा मेन इशू रहा है शायद आप लोगों ने हमारा चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो काइंडली एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ट्वेल्व पॉइंट्स है इनिशियली इट वॉज टेन पॉइंट्स बट बाद में हमने दो पॉइंट्स एड किया है तो इट इज कंप्लीट uh, मतलब उसमें 12 पॉइंट्स है 12 पॉइंट्स में हमारा ए पी पी एस सी पेपर लीकेज एक पॉइंट्स है तो वो जरूर देखिए हम हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं लाइक दीदी यू जे वाई के ऊपर भी बात कर रहे हैं उसके बाद में पंचायती राज के जो 189 करोड़ का जो मिसअप्रोपियत हुआ है उस पर भी हम बात कर रहे हैं उसके बाद में जितने हमने अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में हमने जो अपने मेमोरेंडम में, में जो हमने उसको uh, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए और हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी श्री जे पी नड्डा जी को एड्रेस करते हुए इन चारों को एड्रेस करते हुए जो मेमोरेंडम हमने लिखा है उसी में ये बारह पॉइंट्स इंक्लूडेड है ऑलरेडी तो एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू हमेशा से हमारे जब से ये ब्रदर ग्यामर पादंग जी ने इस इशू इस को रिवील किया है तब से लेकर के हमने इस मुद्दे पर बात करना हमने स्टार्ट किया था और आज भी हम कर रहे वही कर रहे तो इसीलिए लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अपने मुद्दे छोड़ हमारा मुद्दा ही क्या है जस्ट टेल मी वन थिंग हमारा मुद्दा मतलब क्या है ओनली करप्शन तो करप्शन क्या चीज है पेपर बेचना और पेपर खरीदना इ्ससेल्फे करप्शन तो पैसों का कुछ डिपार्टमेंट वाइज कुछ पैसों का मिस यूज हुआ है मिसअप्रोप्रेट हुआ है दैट इज कॉल्ड करप्शन तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम तो सिर्फ करप्शन के ऊपर ही तो चर्चा कर रहे हैं तो करप्शन रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा तो दैट ऑटोमेटिकली दैट बीम्स आवर इशू आप लोग हाउ पीपल से डैट कि आप लोग अपना मुद्दा छोड़ के उस पर बात मत करो इस पे बात मत करो ये तो गलत बात है ना करप्शन को छोड़ के तो हमारे पास और कोई मुद्दा है ही नहीं हम मन, यहां दूसरा ना हमारा कोई लाइक like, कोई पॉलिटिकल हम क्या इलेक्शन फाइट कर रहे हैं कि हम नहीं हम इस पे बात करेंगे उस पर बात करेंगे इट्स नॉट लाइक दैट ना किसी का शादी करवाना है ना किसी को कुछ हमें किसी का फायदा पहुंचाना है या अपना फायदा के हम सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में पूरा करप्शन मतलब फैला हुआ है और इस करप्शन को हमको रूट आउट करना है इसको रूट आउट करने के लिए शुरुआत कहां से करें हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाके सो कॉल द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को द दफिसर दो यर इन द चेयर हम उसको जाके ये नहीं कह सकते कि यू आर ए करप्टेड ऑफिसर देन दैट पर्टिकुलर ऑफिसर वो जो है हमको रीतरेट करेगा तो बोलेगा व्हाट इज द बेस ऑफ योर एलिगेशन तो हम किसी भी मंत्री को जाके ये नहीं कह सकते कि यू आर ए करप्टेड मिनिस्टर उसके लिए हम हमारे पास में पक्का सबूत होना पड़ेगा और पक्का सबूत कब होगा जब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन्वेस्टिगेशन पब्लिक नहीं कर सकता है आई बिंग ए पब्लिक सिंपल पब्लिक आई एज ए सोसाइटी ओरिएंटेड पर्सन आई कैन नॉट गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन दे आर इज ए सर्टन नॉर्म्स दे आर इज ए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन तो इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम किसको अप्राइज करें देर आर uh, दो तरीका होता है एक तरीका या तो आप जुडिशरी का सपोर्ट लीजिए जुडिशरी का सपोर्ट लीजिए आप कोर्ट में जाइए फाइल कीजिए और अगर आप कोर्ट में कोई भी पेटिशन फाइल करने जाते अगेन यू नीड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कंक्रीट एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स और वो काम जो है अरुणाचल के कुछ सेक्शन सम सेक्शन ऑफ सोशल एक्टिविटी आर डूइंग सिंस फ्रॉम मेनी इयर्स आई थिंक इट्स बिन मोर देन ट्वेल्व इर्स तो कुछ लोग कर रहे हैं स्टिल देअर इज नो कंक्लूजन कोई रिजल्ट नहीं है देन नाउ वी बीइंग ए कॉमन पब्लिक हम लोग जो है हम लोगों को लगा सम पीपल ऑलवेज ट्राई टू यू नो मैनिफुलेट द लैंग्वेज मैनिफुलेट द थिंग्स लाइक दैट की शी इज डूइंग पब्लिसिटी इज एंड दैट और उनको सपोर्ट करने की क्या जरूरत है मैं तो डे वन से आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो बोल के मैंने कभी भी अपने लिए कोई लैंग्वेज कभी भी आज तक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है मैं कहती हूं डू फाइट फॉर योर सेल्फ my dear people of national do fight for yourself it's your right they are doing corruption they are snatching your happiness they are snatching your liberty your privilege your facilities then why you people are keeping mum yourself you should raise your boy you should stand up against the corruption so easily I as a simple citizen of the state, as a simple citizen of the country, when I felt that no, this is too much. Enough is enough. Now we should not wait for the further more time for more destruction. Why should not we raise voice against this system? That was especially my thought. Then only I joined a natural against corruption team when they were put marching to support them, to raise voice against corruption. तो आज अगर करप्शन के अगेंस्ट में मैं वॉइस उठा रही हूं यहां पर आई हूं पुट मार्च करके आई हूं लोगों के साथ में ज्वाइन होकर तो इसमें बुराई क्या है और इन्वेस्टिगेशन करने की मेरी ऑथोरिटी नहीं है द सेकेंड ऑप्शन इज अगर हम जुडिशरी को छोड़ के हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं तो वो होता है हमारा वो जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में कौन है हु आर एडमिनिस्ट्रेरिंग द कंट्री देश को कौन चला रहा है देश को प्रधानमंत्री जी चला रहे और प्रधानमंत्री जी से ऊपर है सर्वप्रथम जो सर्वश्रेष्ठ जो हमारे देश की राष्ट्रपति इसीलिए हमने एक ये डिमोक्रेटिक मूवमेंट जो लॉन्च हुआ है इसमें हमने अपनी भागीदारी दी हमने पार्टिसिपेट किया है और यहां तक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी के पास और अपनी देश की राष्ट्रपति जी के पास ये बताने को कि आपके अनुशासन के अंदर आपके प्रशासन के अंदर बिल्कुल जो है चीजें जो है बहुत सारी चीजें आपके नाक के नीचे से ही बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही है घोटालेबाजी हो रही है शायद आप बेखबर है तो हम आपको बताने आए हैं अब इसके चलते इतने सारे गंदी राजनीतियां खेली गई है आज जो भी कोई मेरे साथ लाइव वीडियो पे जुड़े हुए है कृपया करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बीच में छोड़ के मत जाइएगा जरूर आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज मैं कोई फॉर्मल प्रेस ब्रीफिंग करने या फिर कुछ ऐसे नहीं एक पारिवारिक घर की तरह एक होमली सोच करके आप लोगों के बीच में अपने पर्सनल फेसबुक के लाइव वीडियो से आई हूं तो कुछ बातें करते हैं घरेलू बातें करते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा जब मैं पैदल चल करके अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के साथ में जुड़ के मैं पैदल आ रही थी तो कितने लोगों ने कोशिश किया कि मुझे रोका जाए मुझे चलने ना दिया जाए तो सबसे पहले इन लोगों ने कोशिश किया कि अपना जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के उन लोगों को उन लोगों ने कैसे करके साइड किया होगा पता नहीं उनको साइड किया उनको लगा कि टेक्निकली अगर प्रेसिडेंट साहब विद्रो कर देंगे इस मूवमेंट को इस मुहिम को पुट मार्च को तो ऑटोमेटिकली ये लोग ब्लॉक हो जाएंगे और आगे नहीं चल पाएंगे यही सोच करके उन लोगों ने उनको अपील किया उसके बाद में फिर भी हम नहीं माने बीच रास्ते आप लोग जरा खुद सोच कर देखिए हम बीच में आ गए थे कुछ लोगों ने अगर बेच दिया तो हम मतलब क्या कहकर वापस आते कि उन लोगों ने हमें बेच दिया इसलिए हम आगे नहीं चलना चाहते ये कहकर आपके पास वापस आते हैं ये तो हमारा कंसाइन से हमें परमिट नहीं कर रहा था कि कुछ लोगों ने बेचा और उसके वजह से हम वापस चले जाए तो हमने सोच लिया कि नहीं भाई घर से निकल गए हैं और हमने उस पर भरोसा करके उनके साथ निकले थे तो उन्होंने हमें बीच रास्ते अगर दगा दे दिया तो कोई बात नहीं तो हम फिर भी हम कंटिन्यू हम चलेंगे तो इसीलिए हम चलते रहे चलते रहे और जितने दिन हम चलते रहे आप लोगों ने अच्छा से विटनेस किया होगा कि कितने कितने लोग आए हमें बर्बाद करने के लिए हमें बदनाम करने के लिए हमें रोकने के लिए और टारगेट हमेशा कौन रहा सबसे सॉफ्ट टारगेट द वन एंड ओनली लोन ले दी तो कोशीतल एक ही तो महिला है इसको अगर हम लोग इस तरीके से खत्म कर देंगे निचोड़ देंगे ये डिस्करेज हो जाएगी डिमोरेलाइज हो जाएगी रोती रहेगी यही सोच करके तो सबने मुझे सॉफ्ट टारगेट बनाया और जितने भी लोग आए तो जब मेरे ऊपर कुछ बोलने का अगर कुछ नहीं बचा तो मेरे अपने लोगों को लगा करके मेरे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरसी प्लॉट की गई और उस साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई एक टुकड़ा नहीं छोड़ा उन लोगों ने कहीं से भी जगह नहीं छोड़ा तो ये मतलब जो है कि गंदी गंदी और जो चीजें मेरे लाइफ में जो सच्चाई में है वो मैंने उनके बदनाम नहीं करने से पहले उनके साजिश नहीं रचने से पहले आप सबके सामने मैंने हमेशा रखा ईमानदारी के साथ रखा है कि मेरी जिंदगी के उतार चढ़ाव में मैंने कैसे कैसे समय देके हैं वो भी मैंने रखा है मेरी पहली शादी टूटी फिर दो बच्चों की माँ थी पोस्ट बैचलर रही इतने साल उसके बाद में फिर दोबारा मेरी शादी हुई और शादी नहीं होने से पहले भी जब पोस्ट बैचलर रही थी तब भी कितने सारे लोगों ने अप्लाई तो किया होगा ना कि आ, आप खाली हो इफ यू आर सिंगल देन चलो लेट्स मिंगल ऐसे लोग बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं। फिर एक स्त्री को देखना पड़ता है जो कि एक स्त्री है दो बच्चों की ऑलरेडी माँ है और डिवोसी है उनको देखना पड़ता है कि फर्दर उनके लाइफ में अगर वो अपनी लाइफ में सेकेंड चांस आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनका लाइफ पार्टनर कैसे होना चाहिए मैं लोगों को मना नहीं कर सकती कि आप मुझे प्रपोज मत करो मेरे लाइफ में मत आओ मुझसे बातें मत करो लोगों का काम ही है जब भी कोई अकेली महिला देखती है तो उनको छेड़खानी करना ऐसे टाइम पास में बातें करना अगर मौका मिले तो उनके साथ में हम चांस में डांस मारेंगे ये तो लोग सोचते ही है लेकिन इस पर एक महिला के ऊपर निर्भर करता है कि महिला अपने आप को कितना स्ट्रांग और कितना मतलब स्टेबल रख सकती है तो आए होंगे ऐसे बहुत सारे लोग जो प्रपोज वगैरह करने के लिए मैं उन सब को कभी मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई मैंने उनको अहंकारी बात नहीं की है कोई गमंदी की बात नहीं की है मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि प्यार से लोगों को समझाया जाए और मैं ऐसी महिला थी बहुत ज्यादा एज होने के बाद फिफ्टी प्लस होने के बाद मेरी डाइवोर्स नहीं हुई थी बहुत कम उम्र में ही टेंडर एज में ही डायवोर्स हुई थी तो ऐसे महिलाओं के लिए इस संसार में जगह बनाकर इस समाज में जीना बहुत मुश्किल होता है बिना गर्जियनशिप के सोसाइटी में बिना हस्बैंड के जीना बहुत मुश्किल होता है कोई भी भाई या अच्छा कोई भी अगर साथी या कोई वेल विशर जब किसी महिला से बात करता है तो ऑटोमेटिकली लोगों का नजर में होता है कि आई थिंक दोनों में कुछ चल रहा है हम्म hmm, दोनों का रिलेशनशिप है ये होता होगा वो होता होगा एंड देन वो एक इशू बन जाता है समाज में और लोग उसको लेके आगे लेके चलते रहते हैं छोटा सा बात यहाँ से निकला जस्ट एक एक छोटे बाई के साथ में मोटरसाइकिल के बैक सीट में बैठकर चली गई तो अगले दिन वो बवाल मच जाता है कि उसके मोटरसाइकिल के बैक सीट में आप बैठे थे आप अपना गाड़ी छोड़ के क्यों उसके मोटरसाइकिल के बैक सीट में बैठे थे आप दोनों का कुछ चल रहा गया लाइक काइंड ऑफ दैट थिंग्स ना समाज में एक सिंगल लेडी का जी पाना सर्वाइव कर पाना इट्स वेरी वेरी टफ बहुत मुश्किल है मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो बाद में जाकर के मैंने सोचा कि बिना पार्टनर के लाइफ को कैरी uh, ऑन कर पाना इट्स जस्ट नेक्स्ट टू द इम्पोसिबल जैसा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं अगर कोई अच्छा दीसन जेंटलमैन अगर लाइफ में आता है देन वाई डोंट क्यों नहीं तो इसीलिए अभी जो मेरी जो सेकेंड मैरिज हुई है ये जो मेरी डिसेंट नाइस जेंटलमैन लोग आज के डेट में लोग लोग इस ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड सेंचुरी में लोग देखते हैं कि उसका बैंक बैलेंस क्या है बैकग्राउंड क्या है ये वो लोग ऐसे देख करके लोग शायद रिश्ते बनाते हैं मैंने सुना है लोग ऐसे कह रहे थे लेकिन पर्सनल लेवल में मैं कभी खुद ऐसा नहीं सोचती हूँ क्योंकि आपके पास में बैंक बैलेंस जो होता भी होगा तो अगर वो बहुत ही टेम्परेरी होता है वो मतलब आज है तो कल किसी और का हो जाता है तो बैंक बैलेंस के चक्कर में या बैकग्राउंड के चक्कर में क्यों लोगों को देख अगर आपको लोगों को देखना है तो लोगों की क्वालिटी से देखिए कि जो बंदा है आपके साथ में खड़ा रहने का वो कितना सक्षम रखता है और जिंदगी में आपके साथ कितना कदम वो आगे चल पाएगा और आपके सुख दुख में वो कितना सपोर्टिव रहेगा लाइफ पार्टनर सिर्फ ओनली फॉर बायोलॉजिकल प्लेजर के लिए पार्टनर नहीं होता है लाइफ पार्टनर होता है इमोशनल फ्रेंड्स जो आपको समझ सके है आपके परसेप्शन ऑफ लाइफ को समझ सके आपके इंटेंशन को समझ सके और आपके अंदर जितनी अच्छाई है उस अच्छाई के साथ अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो हर ह्यूमन बींग के अंदर एक अच्छा और एक बुराई तो होता है मेरिट और डीमेरिट जरूर होता है तो आपके मेरिट्स को अगर वो इतना पसंद करके आपको एक्सेप्ट कर सकता है तो आपके डिमेरिट्स के डिमेरिट्स को भी वो डाइजेस्ट कर सकना पड़ेगा और आपके डिमेरिट्स को भी वो मतलब डाइजेस्ट करके उसको एक्सेप्ट कर सकना पड़ेगा और उसको रिएक्टिफिकेशन करने के लिए खुद को आगे कर सकना पड़ेगा ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए हम लोगों का लाइफ जो है एक टेम्पररी एक जोर्नी है जिस तरीके से मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हमारी माता जी आज इस दुनिया से रुखसत हो गई है देश की प्रधानमंत्री की माता जी तो एक दिन हम सब भी जाएंगे तो ये जो एक प्रोसेस है दिस इज ओनली ए जोर्नी ऑफ लाइफ तो इस जोर्नी ऑफ लाइफ में आपको एक अच्छा जीवन साथी का होना बहुत जरूरी होता है जो आपको अंडरस्टैंड कर सके जो आपको समझ सके आपके अच्छाइयों के साथ साथ आपके बुराइयों को भी वो एडजस्ट कर सके ये नहीं कि अगर सिर्फ आप अच्छे हो और आपके अच्छाइयों के बारे में सोच करके वो आपके अच्छाइयों के वजह से सिर्फ आपको पसंद करे और आपके अंदर की बुराई आप, आपका पॉजिटिव पार्ट्स उनको अच्छा लगा बट आपका नेगेटिव पार्ट्स उनको अच्छा नहीं लगा तो ये गलत होता है अगर आप किसी के पॉजिटिव पार्ट से आप अगर इम्प्रेस होते हो तो नेगेटिव पार्ट्स को भी आपको मतलब उसको ये कर सकना है अपने अंदर में उसको कंट्रोल कर सकना है तो हम हैप्पी इनफ मैं बहुत खुश हूं मुझे एक अच्छा और संवेदनशील और बहुत ही लाइफ पार्टनर मिला है मेरे लाइफ में अभी और हमारे बीच में एक बहुत प्यारा सा बेटा भी हुआ है आप सबने देखा ही होगा फेसबुक के माध्यम से तो हम खुश है परिवार में तो यहाँ पे कुछ लोग मैंने देखा है मेरे बहुत सारे ब्रदर्स जो है कहते हैं कि है थर्ड वाइफ दिस एंड डेट वो तो मैंने कब मना किया कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो सच्चाई है मैं उसको हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमारे फोर फादर एंसेस्टर जो अबो तनी जी थे उन्होंने ही सिखा के किया है कि हमारे अरुणाचल के लोगों को ट्राइबल स्पेशली दूसरे ट्राइब्स के बारे में मुझे इतना नहीं पता खास करके हमारे बचपन से मैं देखती आ रही हूँ दादाजी पर दादाजी ये लोग दस दस पंद्रह पंद्रह वाइफ्स लेते थे अभी मैं इसको एनकरेज नहीं कर रही हूँ कि लेना चाहिए लेकिन किस्मत का मारा कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ तीसरी नंबर पर मैं हूं और ये सच्चाई है लेकिन मेरे जितने भी हमारे परिवार वाले हैं मुझे कभी ये उन्होंने ये एहसास होने नहीं दिया कि मैं तीसरा हूं चौथा हूं या पांचवा हूं या छठा हूं उन्होंने मुझे हमेशा दिल खोल के गले लगाया और प्यार से एक्सेप्ट किया मेरा जितना भी नावम सोसाइटी है मेरा हस्बैंड का जो फैमिली है और मेरी हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ उनकी सेकेंड वाइफ उनके सारे बच्चे सब लोगों ने मुझे दिल से प्यार किया और मेरे बेटे को भी उन लोगों ने बहुत प्यार किया और अपनाया तो कभी हमारे परिवार के अंदर ये महसूस ही नहीं हुआ कि आ, कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है कौन थर्ड है लेकिन यहाँ पर जब कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट्स करते हैं और लोग जब गाली गलोच करते हैं और तब जाके रियलाइज होता है कि ओके अच्छा अच्छा हाँ अभी याद आया कि मैं थर्ड वाइफ हूं ऐसा मतलब महसूस होता है फील होता है अदरवाइज घर परिवार में मुझे कभी वो स्टेप मदरली सौतीलापन बिहेवियर नहीं मिला चाहे वो मेरे ससुर जी हो या मेरे सासू माँ हो या मेरे जितने भी देवर देवरानी हो जेठानी हो जेठ हो या मेरे जितने भी दूने माँ वो हो सब लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया और हमेशा एक रिस्पेक्ट और प्यार के साथ लोगों ने मेरे साथ में बिहेव किया तो मुझे कभी वो महसूस नहीं हुआ है तो खैर ये थी मेरी पर्सनल लाइफ की बातें मैं खुश हूँ अपने परिवार के साथ में और एक अच्छी जो जीवन साथी इंसान को चाहिए था वो जीवन साथी मुझे भगवान जी ने दिया है तो मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द गॉड कि उन्होंने मुझे एक ऐसा जीवन साथी प्रोवाइड किया है तो इसीलिए uh, मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत चर्चा में लोगों ने पूरा 2022 में तो चर्चा ही करता रहा कि वो ये ऐसी ले दी है वैसी ले दी है देखिए हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होता है और कोई भी इंसान नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड आई थिंक ये वर्ड बाइबल में भी लिखा है जो अगर कोई भी इंसान यहाँ पे कम्प्लीटली हंड्रेड परसेंट परफेक्ट हो जाएगा तो फिर गोद का क्या जरूरी है गोद का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा इसीलिए मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ मेरे अंदर में भी बहुत सारी खामियां हैं सपोर्ट नहीं, नहीं कर रही हूँ किस्मत की से हुई है या फिर मैं क्या कहूँ? मैंने आपको क्लियर uh, कद मैंने बोला है कि आई थिंक इट्स माई अनफॉर्चुन unfortunate है ये ये मेरा मतलब uh, किस्मत खराब है तो मैं आज इस, इस स्थिति पर हूं लेकिन मैं आगे जितने भी हमारे जितने भी uh, स है और आने वाले भविष्य के जितने भी अगली पीढ़ी को मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप लोग पोलिगेमी को बढ़ावा दीजिए इसको स्टॉप कर दीजिए प्लीज अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जीना चाहते हो तो एक कपल होना ही बेस्ट है ये मल्टीपल वाइफ्स होना एक सिंगल हस्बैंड का मल्टीपल वाइफ्स होना इट्स ए काइंड ऑफ ए टॉर्चर मेंटल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर होता है और हर एक ह्यूमन बींग का एक जैसा सेम नहीं होता है तो अलग अलग के लोग होते हैं तो उनका भी बहुत ज्यादा वो होता है हर एक इंसान तो चाहता है ना कि सब कुछ अपने लिए स्पेशल हो तो वो स्पेशल नहीं होता है तो इसीलिए इसको मैं बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ एनकरेज नहीं करती हूँ और मैं चाहूंगी कि आगे की पीढ़ी इसको और अभी तो हमारे वहां वो कम्पल्सन भी नहीं रहा पुराने जमाने में कम्पल्सन था तो आज के डेट में तो फिर भारत के हमारे भारत देश के संविधान में इतना अच्छा हम लोगों को इतना अच्छा प्रावधान दिया हुआ है कि ये सब चीजों को एबोलिश कर सकता है पहले प्राचीन काल में भारत देश में सती सिस्टम था सती सिस्टम एबोलिश हो, हो चुका है ब्रेस्ट टैक्स लगता था यहाँ तो ब्रेस्ट टैक्स एबोलिश हो चुका है और फोर्स मैरिज थी फोर्स मैरिज एबोलिस हो गई है चाइल्ड मैरिज थी चाइल्ड मैरिज एबोलिस हो गई है तो अभी ये पोलीगेमी वाला भी हट जाना चाहिए इसके ऊपर भी अगर सख्त कानून बनाता है तो और भी अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है जो हो चुका है उस पर भी अगर रिथ्रोस्पेक्ट करके बोलता है कि नहीं कंपल्सन अगर कानून बनाता है कि आप सिर्फ एक ही वाइफ रख सकते हो आप दो तीन वाइफ नहीं रख सकते हो बोलता है और इसको जनता मंजूरी देता है तो ये और अच्छी बात है और अगर ये पॉसिबल नहीं है रिट्रोस्पेक्ट करके कानून लॉ लगाना तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए तो लॉ लगा सकता है कि पोलीगेमी को इलीगल भी डिक्लेयर कर सकता है बहुत कुछ कर सकता है सरकार चाहने से कानून कौन बनाता है देश का कानून संसद भवन में सारे जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूरे भारत भर से मोर देन 500 प्लस जो एम पी है ऑनरेबल एम पी है वो कानून बनाते हैं संशोधन लाते हैं तो हमारे राज्य की कानून कौन बनाते हैं हमारे राज्य की जितने भी ऑनरेबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वो बनाते हैं कानून तो आप लोग बनाइए कानून हम एक अच्छे सिटीजन होने के नाते एक अच्छा देशवासी होने के नाते जब भी अगर सरकार कोई अच्छा कानून या अच्छा नीति लागू करेगा तो हम उनके क्योंकि वी आर बाउंड टू फॉलो हम लोग को फॉलो करना चाहिए अपने सरकार को इज्जत करना चाहिए जब भी कोई अच्छा नीति अच्छा कानून लागू होता है तो उनका हमको सपोर्ट करना चाहिए और हम सरकार के नीति के अंदर में हमको वाइंड होके रहना चाहिए तो ये सब अच्छी है बहुत सारे अच्छे अच्छे काम है करने के लिए सरकार के पास कर सकते है सरकार चाहते तो वो नहीं कर रहा है आज के डेट में अरुणाचल में क्या हो रहा है एक अच्छा वेल इक्विप एजुकेशन का कोई पॉलिसी नहीं है उसके बाद में हेल्थ सेक्टर में कोई मतलब इक्विपमेंट्स जो कि अगर अच्छी अच्छी इक्विपमेंट्स हमारे स्टेट में हमारे हॉस्पिटल में होते और अच्छी फैक्ल्टी होती तो हमें दूसरा स्टेट में जाकर के इतना सफरिंग होके जाकर के, जा के रुपया पैसा खर्चा करके लोगों को जाकर के वो सब ये क्या बोलता है हॉस्पिटल के लिए जाना नहीं पड़ता तो बहुत सारी चीजों की खामियां है स्टेट में लेकिन हु केयर्स आज का डेट में किसको ये सब सोचना है किसके पास फुर्सत है ये सब सोचने का किसी के पास फुर्सत नहीं है हर कोई सोचता है कि नो जो पावर में है उनके साथ अच्छा बनाए रखो जो कुर्सी में है उनकी चापलूसी कीजिए और वो अगर नाराज नहीं होंगे तो वो अच्छा चलेगा तो हमारा भी अच्छा चलेगा तो ऐसे करके मतलब एवरीबॉडी लोग जो है मतलब आ, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में बोले तो इसको तो चापलूसी ही बोलेंगे तो ऐसा करके लोग जी रहे हैं और राजनेता जो ये कर रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे हम इतना इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद में उसको रिकवर करना है तो रिकवरी कहाँ से होगी तो रिकवरी के उनका पूरा फाइव ईयर तो बेचारा उनका रिकवरी प्रोसेस में ही निकल जाता है इलेक्शन कब नेक्स्ट इलेक्शन का टाइम कब पहुंच जाता है वो भी उनको पता नहीं चलता है तो दिस इज ऑल ये सारी मतलब करपशन जो स्टेट में हो रहा है तो इस करप्शन को अगर ई कौन खत्म करेगा कोई और तो खत्म नहीं कर पाएगा नरेंद्र मोदी जी भी अगर चाहेंगे तो भी खत्म नहीं कर पाएगा इसको खत्म अगर कोई कर पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग आम जनता लोग पब्लिक लोग है हम लोग को पब्लिक लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा स्ट्रांग कैसे होना पड़ेगा इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन के टाइम में यहाँ हमारे मंत्री जी भी कहते हैं अरे इलेक्शन में एक बंदा इतना आ, आ, मतलब इतना करोड़ रुपया खर्चा करके वो बेचारा वो इलेक्शन जीतेगा एमएलए बनेगा तो क्या उसका पैसा कहाँ से आएगा कोई पेड़ का गच्ची है वहां से तोड़ तोड़ के वो पैसा बर्बाद करेगा खर्चा करेगा यही पूछता है हमारा मंत्री जी भी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जी उन्होंने भी यही पूछा था जब हम लोग टीम ए उनसे मिलने गए थे उनका तो मानना है कि कहना है कि अरे बेचारा उसने पैसा खर्चा किया है तो वो तो अपना पैसा रिकवर करेगा है? तो उसको आप कैसे करप्शन बोल सकते हो करप्शन तो आप लोग जनता लोग करते हो घर से करके आते हो इलेक्शन के टाइम पे क्यों पैसा मांगते हो आप लोग क्यों पैसा लेते हो आप लोगों ने खुद उनको पैसा मांगा पैसा लिया मतलब करप्शन करने का लाइसेंस आप लोगों ने दिया है अब लाइसेंस देने के बाद में क्यों करप्शन है बोलता है ये सवाल हमसे पूछा था उन्होंने ऑफिशियली जब हम उनसे मिलने गए थे तो ये लोगों का मानना है इसीलिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मैं बात करने बैठूंगी बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी बहुत काम होगा इतना ज्यादा नहीं बोलूंगी कभी दिन अगर मेरी सासे यहां नहीं रुकी और मैं अपने प्रदेश वापस आई अरुणाचल प्रदेश आप लोगों से सबसे मिलूंगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लोग मुझसे मिलने के लिए राजधानी तक इटानगर तक नहीं आ पाए तो मैं जरूर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंचूंगी जहां पर भी आप लोग मुझे चाहने वाले एक दो मेरे माता मेरे भैया मेरे चाचा मेरे मामा जो भी कोई मुझे आमंत्रित करेंगे मैं जरूर आप लोगों के बीच में पहुंचूंगी और अपनी व्यथाएं सुनाऊंगी अपनी कहानी कि कैसे करके मतलब इस लड़ाई का लड़ाई लड़ने की हिम्मत हमने रखी है जहां तक मैं सोचती हूं मैं अपने आप को कभी कभी रेली आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि लड़ाई लड़ने की हिम्मत मैंने रखी है अंजाम चाहे इसका कुछ भी हो जीत हो हार हो कोशिश तो कम से कम मैंने की जाते जाते संसार से जाते जाते मुझे इस बात का पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कोशिश नहीं करके पछताने से अच्छा कोशिश करके आप सेटिस्फाई हो जाओ कि यस आई ट्राइड अप टू दैट लेवल लेकिन अगर मैं उसमें जीत भी नहीं पाई तो मेरी कोई गलती नहीं थी इतना तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूंगी जाते जाते दुनिया से तो इसीलिए मैं लड़ाई लड़ने की हिम्मत रख रही हूँ लड़ रही हूँ और मैं बहुत खुश हूं अपने आप से और आप लोगों से भी मेरी विनम्र गुजारिश है जब मेरी तरह एक बार सोचने की कोशिश कीजिए जरूर एक बार लड़ने की कोशिश कीजिए संसार से जाते जाते आपको भी कभी जब एज हो जाएगी उम्र हो जाएगा तो आपको भी कभी ये पछतावा ना हो कि आपने लड़ाई लड़ने की कोशिश ही नहीं की जरूर एक बार लड़ने की कोशिश कीजिए दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड जब हद से ज्यादा चीजें हो जाती है गुजर जाती है तो उसका अंत जरूर होता है और आज अरुणाचल में करप्शन हद से ज्यादा हो रहा है तो उसका अंत होना बहुत जरूरी है इसीलिए आप लोग सोचिए ध्यान से सोचिएगा और करप्शन को ऐसे ही चलते रहने देंगे या फिर करप्शन को खत्म करना है कि नहीं ये आप लोग जरूर सोचिएगा इसीलिए आज आ, एक घरेलू मतलब एक होमली फीलिंग के साथ आप लोगों के बीच में बात करने आई थी तो और भी बहुत सारी बातें बाद में अरुणाचल अगर यहाँ से दिल्ली से मेरी सांसें नहीं रुकी और मैं सही सलामत वापस आती हूँ तो जरूर मैं आप लोगों से दोबारा बात करूँगी अगर मेरे नसीब में हुआ किस्मत में हुआ तो हम लोग सब एक दिन आईजी पार्क में मिलेंगे आईजी पार्क में बैठ करके के हम लोग अपनी सुख दुख के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगी ये मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से अपने बारे में बताने से आप लोगों को लगेगा कि मैं दूर बैठी हूँ मोबाइल के माध्यम से झूठ भी बोल सकती हूँ अगर मेरे किस्मत में ये दिन लिखा होगा कि मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर सकूं तो हमारा इटानगर का जो आईजी पार्क है वहां से आप लोग जरूर मुझे एक बार सुनने या देखने जरूर आइएगा एक दिन हम टाइम निकालते हैं मैं वहां से बताती हूँ मेरा जन्म कब हुआ कहा हुआ कैसे हुआ और मेरे माताजी पिताजी कौन थे क्या थे मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है फिर मेरी पहली मैरिज कैसे हुई और वो कैसे टूटा उसके बाद आज मैं दूसरी मैरिज मतलब मुझे सेकेंड मैरिज क्यों करना पड़ा ये सारी चीज है और लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है पॉलिटिक्स का तेग लगाते हैं वेल well, अभी तक तो कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है लेकिन अगर uh, समय इंसान को समय इतना अगर मजबूर कर देता है करप्शन के अगेंस्ट में मुझे अगर इलेक्शन के टाइम पे किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी कैंडिडेट के लिए मुझे अगर कैंपेनिंग करना पड़ेगा तो मैं जरूर करूंगी एज ए तो शीतल एज ए नॉर्मल लेडी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग जो करप्शन के अगेंस्ट में सोच रखते हैं करप्शन को जो एनकरेज नहीं करते हैं करप्टेड वाले लोगों के ग्रुप में मैं नहीं हूं तो इसीलिए करप्शन के अगेंस्ट में जरूर कैंपेन करने के लिए अगर कोई भी मुझे बुलाएगा मैं जरूर जाऊंगी इट्स नॉट की मैं खुद इलेक्शन लड़ने वाली हूँ मेरी औकात ही क्या इलेक्शन लड़ने की कहा से मैं पैसे ला करके जैसे मंत्री जी कहते हैं इतने करोड़ करोड़ इन्वेस्ट होता है तो मैं कहां से कहा पैसा ला करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगी मेरे पास तो नहीं है पैसा और मैंने कभी जिंदगी में ऐसा उल्टा सीधा रास्ता अपना के पैसा कमाया ही नहीं तो कहाँ से होगा फिर जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहा से खर्च करूंगी इसीलिए लोग जो कह रहे ना तो कोशीतल तो खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए ये सब धांधलेबाजी कर रही है राजनीतिक दाव पेच खेल रही है ये गलत मैसेज है हाँ अगर कोई साफ छवि वाला अच्छा नेता किसी भी कॉन्स्टिटन्सी से अगर इलेक्शन स्टैंड करता है और करप्शन को मिटाने के लिए वो अपने आप को बिल्कुल ही वो प्रतिबद्ध होता है और उस कॉन्स्टिटेंसी से उसके ओपोजिशन में जो खड़ा उसके अगेंस्ट में जो खड़ा कैंडिडेट ऑलरेडी करप्टेड वाला होगा तो जरूर मैं खुले आम वहां पर जाऊंगी और मैं कैंपेन करूंगी मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी मैं विनती करूंगी हाथ जोर जोर कर प्रार्थना करूंगी कि कम से कम करप्टेड वाले को वोट मत दीजिए क्लीन इमेज वाला कैंडिडेट को आप लोग मौका दीजिए इतना तो मैं जरूर आप लोगों से प्रार्थना करूंगी एंटायर अरुणाचल में चाहे वो कोई भी हो ईस्टर्न ईस्टर्न अरुणाचल हो या वेस्टर्न अरुणाचल हो जहां कहीं भी अगर मुझे लगेगा कि करप्शन वाले करप्टेड वाला कैंडिडेट को इस्टन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में जरूर मैं कैंपेन करने जाऊंगी इतना तो मैं अभी भी क्लियर कट कहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पोलिटिकल मोटिवेटेड हूं हाँ हो सकता है कि हमने ये मुहिम छेरा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन और इसका करप्शन का पूरा रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को हम अगर इसका रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में जो लोग जो सीएम साहब को पसंद नहीं करते हैं या फिर उनका पॉलिटिकल राइवलरी हो जिस, जिसको लगता है कि सीएम साहब ने उनको इलेक्शन हराया या जिनको लगता होगा कि सीएम साहब ने उनको टिकट नहीं दिया ऐसे लोग अगर अपने आप में हमारे ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के मुहिम के वजह से अगर वो लोग ये सपना देख रहे हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो है करप्शन के अगेंस्ट करप्शन का नाम लेकर सीएम साहब को लड़ते रहे तो हमारा फायदा होगा सोच रहा है तो ये उनका मुंगेरी लाल का सपना है वो गलत बात है हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है हम उनके लिए भी हम बिल्कुल भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पर्सनल बेनिफिट के लिए वी आर हियर हम यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ हम लोग करप्शन को नहीं चाहिए बोल करके हम लोग यहाँ में अपना मुहिम लड़ रहे लड़ाई लड़ रहे जी मैं पॉलिटिशियन नहीं बनी हूं एक्चुअली मेरे अंदर में पॉलिटिशियन मटेरियल है ही नहीं अगर मैं पॉलिटिशियन होती तो आज मैं यू आम जनता बन के अपने हक के लिए यू भीख मांग कर रो रो कर नहीं घूमती पॉलिटिकल पार्टी में कुछ साल पहले जब मुझे पता ही नहीं था पॉलिटिक्स क्या होता है तब अनजाने में पॉलिटिकल पार्टी में रही थी और मुझे पॉलिटिक्स रास नहीं आई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं मैं झूठ नहीं बोल सकती लोगों को जूता दिलासा नहीं दे सकती आपका काम हो जाएगा हाँ हो जाएगा ये मुझसे नहीं होता है जो चीज होनी है वो होगा अगर जो चीज नहीं हो सकता है सॉरी ये नहीं हो सकता है आप चाहे बुरा मानो या अच्छा मानो मुंह पे बोलती हूँ सीधा बोलती हूँ और जो सोचती हूँ वो बेबाकी से बोलती हूँ और डिप्लोमेटिकली बात को घुमा फिरा के बोलने का मेरा वो स्टाइल भी नहीं है तरीका भी नहीं और आदत भी नहीं इसीलिए मैं पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाए एक्चुअली आई एम ए फेलियर पॉलिटिशियन अगर आप मुझे पॉलिटिशियन बन गई बोलोगे तो मैं फेलियर ऑलरेडी मैं फेलियर पॉलिटिशियन हूं क्योंकि पॉलिटिक्स मुझसे होता ही नहीं है आई एम जस्ट सोशल थिंकर और मैं अपनी आइडियोलॉजी और अपनी फिलोसॉफी से चलती हूँ तो यू कैन से मी यू आर ए सोशल थिंकर या फिर व्हाट एवर आप या फिर यू आर ए नॉनसेंस बोल दो कुछ भी बोल दो सब कुछ चलेगा बट पॉलिटिक्स मुझसे होता नहीं है और आगे भी मुझसे कभी नहीं हो पाएगा पॉलिटिक्स क्योंकि पॉलिटिक्स में लोगों को झूठ बोलना पड़ता है माय डियर बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है चिकनी चुपरी बातें करनी पड़ती है मीठी मीठी बातें बोलनी पड़ती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा आपका काम हो जाएगा आपके बच्चे को नौकरी में डाल दूंगा आपका वो प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर दूंगा ये वो लोग कहता है दिलासा झूठा दिलासा देता है उसके बाद में अपना काम निकलने के बाद में हु आर यू आई डोंट नो तो वो मेरा मेरा आत्मा मुझे परमिट नहीं करता है ना मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसा हाँ मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया यस और अगर मैंने नहीं बोला है तो नहीं बोला है मैंने किया तो अगर मैंने कोई चीज लाइफ में गलत की होगी तो मैं जरूर आपके साथ अनजाने में सही अगर गलत किया होगा तो मैं आपका पैर पकड़ के भी माफी मांगूंगी वो मेरा धर्म है आपसे माफी मांगना कि यस मैंने ये गलती आप लोगों के बीच में किया है तो मुझे या तो आप लोग मुझे माफ कीजिए या तो मुझे सजा दीजिए फैसला आपके हाथ में है मैं खुद को पूरा हंड्रेड परसेंट सरेंडर कर दूंगी लेकिन जहां पर मैंने गलती नहीं की है वहां पर मैं किसी भी हाल में नहीं झुकती हूं फिर झूठ नहीं बोलती हूं कि नहीं हम हमने कभी ये बात बोला ही नहीं हमने कभी ये काम किया ही नहीं तो हम क्यों झुके ये मेरा अपना एक अपना स्टेन होता है तो इसको कुछ लोग बोलता है बहुत जिद्दी है बहुत एरोगेंट है लेकिन एक बात एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को आ, मैं बताना चाहती हूँ लाइफ में जिद्दी होना बहुत जरूरी है लोग कहते हैं ना जिद्दी इंसान अच्छा नहीं होता है मैं तो को शीतल कहती हूँ जब तक आप में अगर वो जिद्दी नहीं होगा तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे वन हैज टू बी वेरी मच स्तन स्तबन होना बहुत जरूरी है Unless, आप स्टबल नहीं होंगे तो आप लाइफ में बड़ा से बड़ा स्ट्रोंग डिसीजन कभी भी आप नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको जिद्दी होना बहुत जरूरी है लेकिन वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में जिद्दी होना है नेगेटिविजम में नहीं होना है पॉजिटिवली अगर आप जिद्दी हो जाएंगे तो किस में इतना हिम्मत जो आपको रोक सके हिंदी में कहावत है ना पंखों से उड़ान नहीं भरती उड़ान भरती है हौसलों से हिम्मत ते मरदा तो मदत खुदा अगर आप में हिम्मत है जुनून है जज्बा है तो कोई आपको नहीं रोक सकता तो इसीलिए मैं जिद्दी हूं जहां पर मैंने कुछ नहीं किया तो वहां पर मैं आखिरी सांस तक स्टैंड करती हूं मैं जिद्दी रहती हूं और जहां पर मैंने गलत किया है आपको मुझे गलत साबित करने की जरूरत ही नहीं मैं खुद ही बता दूंगी कि यार मुझसे ये गलती हो गई है मैंने किया है ये गलती मैं उस टाइप की नेचर की ह्यूमन बींग हूं झूठा बात बोलना दिखावा करना मुझे वो मेरे रास नहीं आता है हाँ अगर कोई मेरा दुश्मन भी मुझसे प्यार से बोलेगा दुश्मन तो वैसे मेरी औकाद ही क्या है मेरा कौन दुश्मन हो सकता है फिर भी बात की बात बोल रही हूँ कुछ लोग होते हैं ना जिनको मैं रास नहीं आती हूँ जो लोग मुझे पसंद नहीं करते खैर मैं उनको अपना दुश्मन नहीं मानती हूं लेकिन वो लोग मुझे दुश्मन मानते हैं तो उनके ही अः लफ्जों में बोलना पड़ रहा है अगर मेरा दुश्मन भी मुझसे बोलेगा कि मैंने ये गलती कर दी है माफ करो खुले मन से बोलेगा तो मैं उसको माफ हमेशा करने के लिए आगे तैयार रहती हूँ मैं किसी के साथ दुश्मनी निभाने में या किसी को सजा दिलवाने में विश्वास नहीं रखती हूँ लेकिन इंसान को दिल से रियलाइज होना पड़ेगा रिपेंट होना पड़ेगा और उसके बाद में इंसान को बोलना पड़ेगा यस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का हिम्मत रखना पड़ेगा आपसे गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अपनी गलती को छिपा कर लोगों के ऊपर में ऐसे हम लोग और हिंदी में बोले से थैली तुम गलती किया है नहीं ये गलती किया है वो गलती किया है वो धक्का मुक्की तेला तेली वैसा नहीं होना है आ, हम गलती किया है तो किया है हम सही किया है तो सही किया है दुनिया में ना हम लोग क्या है कि इंसान लोग एक दूसरे को झूठ बोल सकता है लेकिन जब आप अपने बेडरूम में अपना जो आपका जो फ्रंट फेसिंग मिरर होता है आईना ड्रेसिंग टेबल किसी का घर में हर किसी का तो घर में ड्रेसिंग टेबल होता ही है ड्रेसिंग टेबल होगा या कोई आईना होगा वहां पे या फिर बाथरूम में जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग बेड से अपराइज करते हो और ब्रश करने के लिए आप बाथरूम जाते हो तो आप बाथरूम में जब सबसे पहले अपने शक्ल को देखोगे तो आप क्या अपने आप से झूठ बोल पाओगे आपको मालूम है कि आपने रात को क्या गलती की है तो आईना में क्या खुद को आप एकदम नहीं 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 वो ऐसा नहीं था बोल के आप झूठ बोल पाओगे हैं, कभी नहीं हाँ, तो खुद से झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है अपने आप से झूठ बोलना अपने आप से कभी कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता है तो मैं जो है खुद से तो कभी झूठ नहीं बोल पाई और मैं आप लोगों को मेरे अरुणाचल के जितने भी मेरे चाहे मैं आपके घर कभी गई नहीं आपको मैंने रूबा रू तो टू कभी मिला नहीं सकल से देखा नहीं फिर भी मैं आपको अपना मानती हूँ मैं बिल्कुल अपने जैसा ही सोचती हूँ कोई भी आम महिला आम लेडी जब सड़क पर लकड़ी का टुकड़ी बुक करके खेती से वापस आता है सब्जी बुक करके वापस आता है तो बाजार में गंगा मार्केट में ईटानगर मार्केट में नाहरलगन मार्केट में कोई भी लेडी सब्जी बेच रही होती है तो मुझे मतलब मुझे लगता है कि ये मैं ही हूं मैं ये सब्जी बेच रही हूं मैं लकड़ी का टुकड़े बुक के जा रही हूं मैं ही खेती से आ रही हूं तो सबको मैंने अपना जैसा मान इसलिए मैं आप लोगों से कभी झूठ तो नहीं बोल पाऊंगी मैं खुद से नहीं झूठ बोल पाए आप लोगों से क्या झूठ बोल पाऊंगी अगर लेकिन झूठ बोलना ही क्यों है इंसान को लाइफ में हमेशा सच बोलिए ना सच बोलने से मन हल्का होता है एकदम रिलैक्स होता है चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो परिणाम कुछ भी रिजल्ट आए लेकिन आपने सच बोला तो अपने आप को हल्का कर लिया मन में बोझ नहीं रहता है तो जो इंसान झूठ बोलता है वो कहीं ना कहीं एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ दूसरा को छिपाने के लिए तीसरा झूठ फिर एक झूठ को सिर्फ छिपाने के लिए हजार हजार थाउजेंड थाउजेंड लाख लाख झूठ बोलना पड़ता है तो इसीलिए हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं और सच को आप लोग सबसे मेरा आज जाते जाते 2022 के अंत में जाते जाते सवाल है क्या अरुणाचल में सचमुच करप्शन नहीं हो रहा है अगर करप्शन हो रहा है तो हो रहा है ना इसमें छिपाने वाली क्या बात है झूठ बोलने वाली क्या बात है करप्शन तो हो रहा है हाँ इस करप्शन को हटाना कितना लोग चाहता है ये डिपेंड करता है अभी कितने परसेंट लोग करप्शन को हटाना चाहता है और कितने परसेंट लोग करप्शन के साथ खुश है और कुछ लोग जो करप्शन के अगेंस्ट में बात बोल रहे हैं सीजनल मतलब लाइक यू you नो know, कभी आता है तो करप्शन के अगेंस्ट में बात करता है तो नेक्स्ट फिर उसके फेसबुक प्रोफाइल पे देखती हूं तो वो बंदा जो है सीएम आ, सीएम साहब के पेज से पेमा खांडू का जो ऑफिशियल पेज है पेमा खांडू ऑफिशियल पेज में जब भी कुछ पोस्ट होता है मैं जरूर देखती हूँ क्या पोस्ट होता है वो तो देखती ही हूं साथ में कितने लोगों ने क्या कमेंट्स किया है वो मैं चेक करती हूँ तो जो इंसान करप्शन के अगेंस्ट में उस तरफ कहीं और बात कर रहा था वही लोग आ जाते हैं सीएम साहब के पेज में ग्रेट सर बहुत अच्छा है ये है वो है तारीफ करने के लिए तो मुझे आप लोगों का ये दोगलापन समझ में नहीं आता है यार आप लोग मतलब एग्जेक्टली आप हो क्या खुद को क्या प्रूव करना चाहते हो या तो बेचारा सीएम साहब का सपोर्ट करना है तो स्ट्रेट वे उनका सपोर्ट कर दीजिए कि सर आप करप्शन करते रहिए वी आर वी आर वेरी मच हैप्पी विथ करप्शन प्रैक्टिस लेट्स कंटिन्यू करप्ट कल्चर ये बोल दीजिए सीएम साहब को स्टैंड कीजिए उनके साथ ऑफिशियली या फिर अगर आपको सचमुच करप्शन अच्छा नहीं है पसंद नहीं है तो क्या जरूरी है वहां जाकर के डायनामिक सीएम यू आर ए गोद गिफ्टेड सीएम दिस एंड डेट बोलने का ये हाइपोक्रेसी स्टॉप हाइपोक्रेसी माय डियर फ्रेंड्स हाइपोक्रेसी से क्या मिलता है तो साल के अंत में जाते जाते इतना जरूर कहना चाहूंगी कि या तो इधर या तो उधर अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए आप लोग आपको करप्शन चाहिए तो करप्शन चाहिए बोल के कम से कम मतलब अरुणाचल के जितने भी जनता है जो दोज वेरी मच हैप्पी विथ करप्शन प्रैक्टिस वो भी आप लोग लिख के दे दीजिए ऑफिशियल कर दीजिए अपने अपने फेसबुक अकाउंट से No, we are happy विथ करप्ट कल्चर एंड वी want टू live with करप्शन यू डोंट रेज वॉइस अगेंस्ट करप्शन corruption, you don't rage against corruption के मुझे बोलिए आप लोग फिर मैं परसेंटेज देखूंगी कितने लोग करप्शन के साथ खुश है और कितने लोग करप्शन के साथ खुश नहीं है अगर मेजोर कहते हैं ना इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री तो मेजोरिटी विन्स तो मेजोरिटी आप लोग साबित कीजिए कि आप लोग करप्शन के साथ बहुत खुश है और मुझे करप्शन के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए तो फिर मैं छोड़ दूंगी अपना ये मुहिम मैं हथियार डाल दूंगी हाथ उठा दूंगी सॉरी आप लोग अगर करप्शन के साथ इतने खुश हो तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली मुझे पसंद नहीं फिर भी मुझे एडजस्ट करके जीना पड़ेगा। ही पड़ेगा यही मुझे भी सोचना पड़ेगा ना तो इसीलिए साल के पुराना साल खत्म हो रहा है नए साल की शुरुआत में आप लोग कोशिश कीजिए मैं देखती हूँ कितने लोग करप्शन के साथ खुश है और कितने लोग करप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो डिपेंड्स ऑन मेजोरिटी लेट्स सी पॉपुलेशन क्या कहता है परसेंटेज कितनी आती है करप्शन के फेवर में कितने आते हैं और करप्शन के अगेंस्ट में कितने आते हैं वज बहुत सारी लंबी बातें हो गई है थैंक यू शायद आप लोग बोर भी हो गए बहुत सारे लोग जुड़े थे लाइव में और अभी बहुत कम हो गए शायद आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी बोर लगा होगा तो सो आई एम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने आप लोगों को बोर किया होगा तो तो ऐसे मन किया था आप लोगों से बात करने का अपने पर्सनल आईडी से ये कोई आ, न्यूज चैनल के माध्यम से बात करने से क्या होता है वहां पे थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है तो अपनी मतलब आ, हद में रह करके बात करना पड़ता है यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट होमली एनवायरमेंट लगा मुझे कि मैं बिल्कुल अपने घर पे बैठी हूँ और अपने घर वालों से बात कर रही हूँ तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल आईडी से आ जायी थी एनीवेज थैंक यू सो मच आप लोगों ने जिन लोगों ने मुझे आ, मेरे साथ जुड़े रहा इस लाइव वीडियो में और आगे भी चल करके जो लोग मुझे मन से प्यार करते हैं खास करके मेरे कुछ मदर्स हैं जो मुझे मन से प्यार जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है वो सियांग बेल्ट में है इस सियांग बेल्ट में एक मेरी मदर है एक दीदी है ओनिमा जी मैं आपसे कभी नहीं मिली लेकिन आप हमेशा मेरे लिए प्रे करती हो और आप खुद ही एक मतलब गोद सर्वेंट हो लोग आपको इतना प्यार से वन टू थाउजेंड जो भी आपको कंट्रीब्यूशन देते हो वो सीधा आप मुझे फिर ट्रांसफर करती हो भेजती हो और मेरे लिए दिन रात आप प्रे करती हो आपका ये प्यार देख करके मैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मैं फिर इमोशनल हो जाती हूँ कि आप मतलब आप खुद दो टाइम खाने के लिए इतना मतलब स्टाविंग कर रहे हो और वो फिर आप वो जो चीजें आपको लोग प्यार से दे रहे वही चीज आप मुझे देते हो तो मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इमोशनल आप लोग मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर देता है मतलब ज्यादा खुशी के चलते फिर मैं दुखी हो जाती हूँ तो जिन लोगों ने मुझे हमेशा प्यार किया है जो लोग मेरे साथ दिल से कनेक्टेड है उन लोगों के साथ आप लोग मुझे बोलिए क्या करना है बोलिए कितनी बार मुझे अपनी जान देना है या किसकी जान लेना है वो भी बोलिए मैं आप लोगों के लिए मेरा पूरा सब कुछ मैं त्यागने के लिए तैयार हो मेरा पूरा सब कुछ आप लोगों के लिए मैं सैक्रीफाइस करती हूँ कुछ है नहीं धन संपत्ति तो कुछ नहीं मेरा शरीर है और मेरे हाथ पाओ है मेरे दिल दिमाग है कान है आंख है नाक है मुख है जो क्या आप लोगों के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना चाहिए मेरे अरुणाचल के वालों बोलिए जो लोग मेरे साथ दिल से कनेक्टेड है और जिन्होंने मुझे दिल से अनकंडीशनल प्यार और आशीर्वाद दिया है क्योंकि आप लोग आप लोगों ने कभी भी मुझे ये महसूस होने नहीं दिया कि मैं अकेली हूं मैं अनाथ हूं या फिर मैंने तो अपने पापा का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा का निधन हो गया था तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पास पापा नहीं है मेरे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मेरे एक अबो जी है अबो केन्तो और जी बहुत बहुत थैंक यू लव यू आबो आपने मुझे बहुत प्यार किया मुझे बहुत सपोर्ट किया आपका गाइडेंस और प्यार और उस, उसके साथ में आने के तो और जी आप दोनों आने और आबो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मतलब जितना भी मैं शुक्रिया करूं बहुत कम है आपने मुझे कभी ये महसूस ही होने नहीं दिया कि मैं एक ऑर्फन हूं या फिर अनाथ हूं आपने मुझे हमेशा एक अपनी बच्ची की तरह ट्रीट किया अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया और हर कदम पर आपने मुझे सपोर्ट किया ब्लेस किया गाइड किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आने। उसके साथ में जितने भी मेरे ऐसे अबो नो, नो आप भी तो वहां से अपर सियांग से इंक्योंग से हमेशा आप कहाँ से पता नहीं पांच सौ रूपया हजार रूपया पन्द्रह सौ आपको जो भी लोग देता है फिर वो आप मुझे डाल देते हो तो इस तरीके से जो लोग मेरे साथ दिल से कनेक्टेड है आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ कुछ भी करने को कभी भी मेरे तरफ से आप लोगों अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं बेटी शीतल आप ये कर सकती हो आपको ये करना चाहिए अगर आप लोग बोलोगे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी और आप लोग बोलोगे कि आप लोगों के लिए मुझे फांसी पर चढ़ जाना है तो मैं दोबारा कभी नहीं सोचूंगी पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगी हाँ चलो ठीक है मेरे अपने अरुणाचल के मेरे इनोसेंट पब्लिक जो की इनोसेंट जो अरुणाचल का सिटीजन है उन लोगों के भलाई के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं बिल्कुल भी निदर होकर के आराम से मैं कंफर्टेबल वे में आंख भी पलके भी नहीं झपकाऊंगी और आप लोगों के लिए मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए हरदम तैयार हूं इसके लिए कोई दो रहा नहीं है इसीलिए मैं बहुत ज्यादा फिर इमोशनल हो जाती हूँ जब आप लोगों की याद आती है तो कभी कभी पता है यहां दिल्ली में रह रहे कि मैं कभी कभी बहुत कमजोर हो जाती हूँ ये सोचती हूँ अरुणाचल का सरकार तो हमें सड़क चाप बोलता है सड़क से उठाया हुआ लोग पॉलिटिकली पॉलिटिशियंस का मतलब पपेट से बोलता है और दिल्ली का जो इंडिया का सरकार मोदी जी का सरकार है वो बहरा होके बैठा हुआ है सुनता नहीं है तो कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाती हूँ बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाती हूँ फिर मुझे कहा से एनर्जी मिलता है पता है अबो कह तो, औरी, अबो नितिक, अने तो औरी, और अबो ओनिमा ताली जी फिर मेरा इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट से पागा, जितना विदो सोसाइटी का लोग लोग आप लो, इतना मोरम से आप लोग खुद का पास में नौकरी भी नहीं है कुछ भी नहीं है किसी किसी का पास तो ढंग से खेती बाड़ी भी नहीं फिर भी आप लोग कहाँ से पैसा उठा कर कंट्रीब्यूट करता है डोनेशन देता है और मेरा इटानगर नाहर मार्केट का मेरा जितना बेंदोल का लेडीज लोग दिन में सब्जी दो मुत्ता बेचता है उसका बाद में वो पे, दो मुत्ता सब्जी बेचा वाला को भी एक मुत्ता का पैसा आप अपना बच्चा को खिलाते एक मुत्ता मुता यहां हमको बेचता है तो ये सब चीजें हमको बहुत ज्यादा इमोशनल करता है और इमोशनल करके यही चीजें मुझे फिर ताकतवर बना देता है कि नहीं मुझे आप लोगों के लिए स्टैंड करना है आप लोगों के लिए लड़ना है मेरे लाइफ में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया मैं बचपन से अनाथ थी पिताजी का साथ नहीं था मेरे तीन माँ होने के वजह से मेरी माताएं अलग अलग रहती थी मैं नानी माँ के आगोश में बड़ी हुई हूँ मेरा जो आई था नानी माँ इसीलिए मैं नानी माँ के आगोश में बड़ी हुई मुझे कभी माता पिता का प्यार मुझे संपूर्ण प्यार नहीं मिला दीदी भाई बहन का भी प्यार नहीं मिला बिल्कुल एक अनाथ वाली जिंदगी में जी करके आय अगर मैं नहीं मरी तो जरूर मैं अपने अपनी लाइफ स्टोरी के ऊपर आप लोगों को जरूर मैं एक बायोग्राफी जरूर लिख के मैं ऑटोबायोग्राफी जरूर लिख के मैं बताऊंगी कभी दिन. तो ऐसे लेडी को ऐसे लड़की को ऐसे अनाथ लड़की को आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतना मोरम दिया कि अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं मेरे पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन मेरा पूरा अरुणाचल मेरा परिवार मेरे साथ में है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे अरुणाचल से जिसको मैं कभी मिली ही नहीं जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं वो लोग दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करते हैं फास्टिंग बेचते हैं और मुझे अपने अपने कहां कहां से एडजस्ट करके सौ डेढ़ सौ रुपया उठा के भी कितने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन भेजा है दिस इज फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल हिस्ट्री कि मेरे जैसे एक मामूली से ना मतलब एक मामूली सी लड़की एक मामूली सी महिला जो कभी किसी के साथ मिली नहीं मेरे पास में आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोई पावर नहीं है मैंने कभी लोग कहते कि हमारे अरुणाचल पब्लिक अभी आप सुन लीजिए हमारा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जी का कहना ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस जी ने क्या बोला था कि आप लोग ही करप्शन करते हो पब्लिक ही करप्शन करते हैं इलेक्शन के टाइम पे पैसा डिमांड करता है तो बिचाराओ एम एल इतना करोड़ करोड़ खर्चा करके आया है तो वो कैसे पैसा खर्चा अपना पैसा रिकवर नहीं करेगा बोले तो ये रिकॉर्ड है अरुणाचल का कि वहां के पब्लिक जो है पैसा डिमांड करता है लीडर से और पब्लिक को पैसा दे करके लीडर इलेक्शन जीतता है यहां के लीडर लोग का मुंह से खुद ही निकलता है उस स्टेट से लोग मुझे अपने घर से पैसा दे रहे है मुझे आशीर्वाद दे रहे है ब्लेसिंग दे रहे है ये अपने आप में ऐतिहासिक बात है बहुत बड़ी बात है राइट प्रोम जब से अरुणाचल का बसेरा हुआ है सिर्फ अरुणाचल की नेपा के दिनों से लेकर के तब से लेकर के आज तक अगर कोई भी ऐसा एक नेता होगा जिसको अरुणाचल के पब्लिक ने लोगों ने उनको सपोर्ट किया लोगों ने अपने घर से पैसे भेजे उनके लिए दुआ मांगे हो तो प्लीज आप लोग मुझे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता जहां तक मुझे लगता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पहली बार है कि मुझे इतना प्यार और इतना अपनापन पूरे अरुणाचल से मिल रहा है तो इसीलिए मैं आ, लोग ये क्या अपना जो ये इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना क्या नाम था इसका अनिल अंबानी अनिल अंबानी का घर है आ, कितना हजार करोड़ का ठीक है छ हजार कितना मुझे एक्जेक्ट फिगर पता नहीं छह हजार करोड़ का ना कितना का घर है उसका घर में थ्री हंड्रेड एवो स्टाफ है और ये है वो है बोलता है वो वो घर को भी अनिल अंबानी जी जब जाएंगे तो लेके तो नहीं जाएंगे आज जैसे हमारी माता जी हीराबेन मोदी जी दुनिया से चली गई तो वो क्या लेकर के गई है लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही लेकर गई है उसके अलावा तो वो कुछ भी लेकर नहीं गई है तो अनिल अंबानी जी जब जाएंगे तब भी वो अपना वो उसका खूबसूरत सा सबसे दुनिया का कीमती वाला घर एंतीलिया बोलते है जिसको उसको भी लेकर वो नहीं जाएंगे तो जीते जी आपको लोगों का प्यार और अपनापन मिले यही तो सबसे बड़ा धन संपत्ति है इस संसार में और इससे बड़ा धन संपत्ति क्या चाहिए आज मैं सबसे ज्यादा धनवान हूँ तो को क्योंकि मेरे साथ पूरा अरुणाचल का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है आप लोग मुझे प्यार करते हो आशीर्वाद देते हो तो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है संपत्ति है और क्या चाहिए मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल ह्यूमन बींग आज में हुँ, हुँ। मैं कंसीडर करती हूँ मानती हूँ क्योंकि सक्सेसफुल मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बे इंतः मोहब्बत दिया बे इंतहा प्यार दिया अनकंडीशनल लव जिसका कोई कंडीशन नहीं है कि शीतल तुमको मैं इतना आशीर्वाद दूंगा फाइव ग्राम आशीर्वाद दूंगा तो तुम टेन ग्राम मुझे इसका ये रिटर्न करना विद इंटरेस्ट ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने मुझे अनकंडीशनल प्यार दिया है अपनापन दिया है इससे ज्यादा और क्या चाहिए इंसान को एक अच्छा इंसान चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो लाइफ में अगर बिना कुछ स्वार्थ के अगर कोई इंसान आपको मदद कर रहा है तो वो आपका सक्सेस का सबसे बड़ा स्टोरी होता है और आप भी अगर किसी को बिना कुछ स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करता है तो आपकी आत्मा को जो खुशी मिलती है उससे बड़ा और खुशी ये संसार में कुछ नहीं होता है और जितना बड़ा फाइव स्टार होटल में बैठने से भी या एकदम बहुत बड़ा ये सबसे दुनिया का कीमती गाड़ी में बैठने से भी वो खुशी नहीं मिलेगा वो सोने चांदी का चम्मच प्लेट में ग्लास में खाना खाने से भी पानी पीने से भी वो खुशी नहीं मिलेगा एक जो अंदरूनी आत्मा से जो खुशी मिलता है वो वो अलग ही खुशी होता है तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ साल के अंत में जाते जाते साल की शुरुआत में आ, क्या होता है देखते हैं मैंने तो ठान लिया है कि जब तक मेरी बात नहीं सुनेगी चाहे मुझे अपना प्राण त्यागना पड़े मेरी सांस रुक जाए तो रुक जाए मैं एक कतोर तपस्या करूंगी सरकार तक मेरी बात को पहुंचा कर ही रखूंगी यही मैं सोच रही हूं अभी तक और जीते जी अगर मैं नहीं पहुंचा पाए तो शायद मेरी प्राण की आहुति देने के बाद में मेरे लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बाद में शायद सरकार सुन ले तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रही हूं मैं अपनी प्राण की आहुति देने जा रही हूं तो आप लोग बने रहिएगा मेरे अरुणाचल के जितने भी माता पिता आज तक जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है आप लोगों से मेरा निवेदन है और भी आगे स्ट्रोंग प्रे सपोर्ट करते रहिएगा और यू ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा 2023 के शुरुआत में अभी जस्ट अभी ही ये आ, अपना जो दिल्ली आ, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे अपना जंतर मंतर पे तो बहुत दिनों से परमिशन के लिए अप्लाई कर रही थी वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होने के वजह से नहीं दे रहे थे और जंतर मंतर पे परमिशन जब देता भी है तो सिर्फ वन डे दे का देता है आ, तो हमने रामलीला मैदान में परमिशन अप्लाई किया था तो वहां से अभी जस्ट भी वहां से कॉल आ रहा था कि एनओसी जो है जल्दी लेकर के आई है दिल्ली पुलिस से एमसीडी वाले कह रहे थे कि एनओसी जल्दी लेकर के आइए आपका परमिशन हम लोग क्लियर करेंगे तो फाइल प्रोसेस में तो उसके लिए कल हम लोग फिर ऑफिस जाएंगे और अगर यहां से परमिशन ग्रांट हो जाता है तो मैं एक बहुत बड़ी लड़ाई में जा रही हूँ बहुत बड़ी जंग में लड़ने जा रही हूँ उस पर मुझे आप सबका प्यार और आशीर्वाद दुआ की बहुत जरूरत होगी तो दुआ कीजिएगा कि मैं वो जंग जीत करके लौट कर आओ या तो मैं जंग जीत जाऊंगी या फिर मैं अगर जंग हार गई तो मैं जिंदगी से हार जाऊंगी बहुत भरी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ तो दुआ कीजिएगा आप लोग और आशीर्वाद दीजिएगा खैर मैं बोलते बोलते ऐसे ही भावुक हो जाती हूँ एनी थैंक यू सो मच आप लोगों ने बहुत ही फैशन हियरिंग दिया और फिर से एक बार नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और पुराने साल जा रही तो जाते जाते पुराने साल में एक चीज जरूर करना कि आप लोग अपनी मन से बोझ उतार दीजिएगा जिसने आपके लिए गलत सोचा है गलत बोला है जिसके आपके जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में कुछ भी उल्टा सीधा काम किया हो तो उनको मन से माफ कर दीजिएगा और आपके मन में अगर किसी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बुरा ख्याल आया हो तो उसको मन से निकाल दीजिएगा और खुशहाल ही खुशहाल फैलाइएगा प्यार मोहब्बत अपनापन भाईचारा यही फैलाइएगा आपस में आपसी रंजिश मत रखिएगा दुश्मनी मत फैलाइएगा आगे 2023 में या तो हमारी जीत होगी या तो हमारी मौत होगी चलिए थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आप सबका अगर मैं जीत जाऊंगी तो आपसे जरूर मुलाकात होगी और अगर मैं हार जाऊंगी तो मेरी मौत होगी तो जरूर आप लोग दुआ कर दीजिएगा मेरे घर परिवार के लिए कि तो को शीतल करप्शन के अगेंस्ट लड़ते लड़ते हार गई जिंदगी से हाथ धोकर बैठ गई वो तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के लिए मेरे परिवार के लिए जरूर दुआ कीजिएगा थैंक यू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और खुशल मंगल रहिएगा धन्यवाद आप सबको थैंक यू बाय अरे ये